हाय लोग, स्वागत है आपका टाइम टॉक्स के 16वें एपिसोड में। आज बात करेंगे जॉन विक चैप्टर 4 के बारे में। और ये मूवी इतनी ओसम है कि जिसका कोई जवाब नहीं। इसकी कलर ग्रेडिंग, इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसके एक्शन सीन्स इतने वेल कोरियोग्राफ और इतने खूबसूरत हैं कि आपका मन ही नहीं भरेगा उनको देखने से। ऐसा करेगा कि बस देखते रहो। बात करो अगर इस मूवी की स्टोरी की, तो जॉन विक इस बार अपनी आज़ादी की फाइट के लिए हाई टेबल के खिलाफ खड़ा हो जाता है और वो इतनी लाशें बिछाता है कि गिनना मुश्किल है। अगर तुम जॉन विक फ्रेंचाइजी के फैन हो तो तुम्हें पता होगा कि जॉन विक अपनी स्टोरी के लिए नहीं बल्कि अपने एक्शन के लिए फेमस है। एंड इस मूवी का एक्शन तो गोल्ड लेवल है। 5 से 10 मिनट के अनकट और सिंगल टेक एक्शन सीन्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। एंड भाई साहब, वो होटल वाला सीन क्या ही बवाल चीज थी भाई। वो उससे भी 100 गुना बेहतर एक्शन सीन आपको इसके सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगा। ऊपर से वो दिखाया गया है छत की तरफ से, और भाई साहब जॉन विक चाचा ने क्या तबाही मचाई है, अंत भाई अंत। मूवी में कुछ नए कैरेक्टर्स भी ऐड किए गए हैं जो मूवी में एक अच्छा वैल्यू ऐड करते हैं। मूवी में कुछ फॉल्स भी है, जैसे अपने मेन हीरो को कोई भी गोली नहीं लगती, वो कितना भी लड़ ले भिड़ ले थकता नहीं, और कहीं से भी गिर जाओ उसको फ्रैक्चर तो छोड़ो एक खरोंच तक नहीं आती। ये बातें थोड़ी इलॉजिकल फील, मगर इन चीजों को साइड में रख दे तो मूवी फुल पैसा वसूल है। आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करेगी। मूवी 2 घंटे और 52 मिनट लंबी है, लेकिन ये कब निकल जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। इस बार मूवी के स्टेक्स और भी ज्यादा हाई होंगे, इसका अंदाजा आपको इसके पहले सीन से लग जाएगा। एंड मूवी अपने डार्क और टेंस टोन को क्लाइमैक्स तक पकड़कर रखती है और उसे बनाए रखती है। इस मूवी के जो मेन विलन है मार्को डी ग्रेमो, या फिर मार्कोरो डी ग्रेमो, जो भी उसका नाम है, उसकी हाइप तो काफी अच्छी बिल्ड की जाती है, बट एंड द एंड होते होते वो थोड़ी फीकी फील होती है और जॉन विक के आगे वो थोड़े हल्के विलन साबित होते हैं। ओवरऑल कहूँ तो ये मूवी देखने लगा, इसका एक्शन गोल्ड लेवल का है, इस सभी की एक्टिंग तारीफ के काबिल है, हिंदी डबिंग अच्छी है, सिनेमा एक्सपीरियंस मूवी है। तो जाओ और इसे देखो और वापस आके जरूर बताना कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और इसके अलावा अगर तुम वो मूवी देख चुके हो तो बताओ कि तुम्हें कैसी लगी, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और इसके अलावा ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरा रिव्यू है, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो शेयर कर देना, और चैनल पर कहीं से भी नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।